हेलो एंड वेलकम टू इजी क्लासेस। मेरा नाम प्रियमदा है। इजी क्लासेस भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रोवाइड करता है और आईएएस एस्पिरेंट्स को उनके बेस्ट मेंटर्स द्वारा गाइड करता है। वेल, हमारे जीएस और ऑप्शनल्स के नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप द्वारका, नोएडा और दिल्ली के मुखर्जी नगर ब्रांच पर संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.expertguidance.org पर भी विजिट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में। आखिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और हमारे यहाँ किस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को। मान लेते हैं कि कोई कानून है और उस कानून के तहत अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर उसी कानून को कि वो लोगों पर क्या इम्पैक्ट करेगा, आखिर वो लोगों के लिए सही है या नहीं है, वो रीज़नेबल है या नहीं है, वो जस्ट और फेयर है या नहीं है, अगर इसको भी ध्यान में रखा जाए तो इसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहेंगे। अगर इसे और भी सिंप्लीफाइड वे में समझाऊं तो मान लेते हैं किसी कानून के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है, रीज़नेबल है, फेयर है, क्यों? क्योंकि उसने कानून के तहत कार्रवाई की है। लेकिन अगर इसी कानून के तहत वो आपके फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करे, वो आपको फंडामेंटल राइट्स को पहले तवज्जो दे, उसे भी इंक्लूड करे और उसके तहत कार्रवाई करती है, तो इसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहेंगे। जैसे कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ मैं, मान लेते हैं पुलिस आपके दरवाजे पर किसी चीज़ के लेके तहत कार्रवाई कर रही हो और वो सुबह 4 बजे आ जाती है, तो आपके फंडामेंटल या आपका पर्सनल स्पेस या लिबर्टी कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हो रही है और आपसे रिलेटेड जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन पुलिस तो कार्रवाई कानून के तहत कर रही है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे आप? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पर उसने आपके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर इसी चीज़ को वो पुलिस सुबह 10 बजे आके कार्रवाई करती और फिर आपके पर्सनल स्पेस और लिबर्टी या उसके आपके पर्सनल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ध्यान में रख के कार्रवाई करती, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो किया जाता। यहाँ पर उस कार्रवाई के तहत आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका भी अगर वो ध्यान रखे तो इसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जबकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एक इंडियन कॉन्सेप्ट है। और लेकिन यहाँ पर ओवर द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये कई सारे केसेस के साथ ये प्रूव किया है कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या अपने कानून में महत्व देते हैं। यहाँ पर अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात कही गई है। क्या कहता है आर्टिकल 21? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कहने का मतलब ये है कि विधायिका किसी कानून के तहत आपके आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लाइफ या लिबर्टी को छीन सकती है, उसके अलावा किसी भी प्रकार से नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एक इंडियन कॉन्सेप्ट है और ओवर द टाइम सुप्रीम कोर्ट या हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसे ओवर रूल करते हुए कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। तो आखिर कौन से ऐसे केसेस थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट इस केस से रिलेटेड दिए? सबसे पहले बात करेंगे एके गोपालन केस की, जो कि 1950 में आता है। एके गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक नैरो और रिस्ट्रिक्टेड वे में इंटरप्रिटेट किया है और उन्होंने कहा कि पर्सनल लिबर्टी एक्सप्रेशन इज जस्ट मियरली अ प्रोटेक्शन ऑफ वंस बॉडली पार्ट्स, दैट मीन्स स्टेट कैन नॉट हार्म और डैमेज the body of an individual, that's it। यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर जो आर्टिकल 21 है वो सिर्फ स्टेट को किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी पार्ट्स को हार्म या डैमेज करने तक ही सीमित है, इसके अलावा इससे ज़्यादा इंटरप्रिटेट नहीं किया और आप कानून के तहत आर्टिकल 21 को छीन सकते हैं क्योंकि वो कहता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत आप आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज कर सकते हैं ईजिली। दैट मीन्स लॉ अफेक्टिंग life and liberty of an individual could not be declared unconstitutional merely just it lacked due process of law and natural justice and no immunity against any competent legislative action and only against executive action। अगर इसे हम हिंदी में समझें तो क्या कहना चाहता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है कि कोई भी कानून अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत कोई कानून बनाया गया है और वो आपके आर्टिकल 21 को छीनता है आपसे, तो वो फेयर है, रीजनेबल है, जस्ट है। लेकिन आप उसको इस बेसिस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते कि उसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को फॉलो नहीं किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का मत था एके गोपालन केस में। और कोई भी अगर आप कोई भी कानून अगर आपके आर्टिकल 21 को छीनता है तब आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, लेकिन कोई सरकारी आदेश या एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत आपका आर्टिकल 21 छीनता है तो आप बेशक कोर्ट जा सकते हो और अपने आर्टिकल 21 के तहत केस फाइल कर सकते हो। मतलब कि आर्टिकल 21 जो है वो आपको इम्यूनिटी देता है एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन के तहत। ये तो बात रही आपके एके गोपालन केस 1950 की। लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 जो है उसने अपने अंदर नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को भी इंक्लूड कर रखा है। यहाँ पर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भी बात करते हैं और कहते हैं कि कोई भी कानून, विधायिका ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो या छीनता हो। तो कानून ऐसा होना चाहिए जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को भी फॉलो करता हो। कानून ऐसा हो जो लोगों के अधिकारों को ना छीनता हो। अमेरिका में अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें जहाँ से ये आया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वहाँ पर कोई भी कानून बनाने से पहले उस कानून का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको ज़रूर ध्यान में रखा जाता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1978 में मेनका गांधी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया कि हम यहाँ पर भी कोई भी कानून अगर उसका लोगों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है और वो रीजनेबल नहीं है, जस्ट नहीं है, फेयर नहीं है, तो ऐसा कानून तत्काल प्रभाव से नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत, लेजिस्लेटिव एक्शन के तहत नहीं। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों के तहत प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर विधायिका कोई कानून बना के आपके आर्टिकल 21 के तहत आपके राइट्स को छीनती है तो वो वैलिड है, वो फेयर है, वो रीजनेबल है। लेकिन सरकारी कार्यकारी आदेश कोई पारित करके छीनती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इन दोनों चीज़ों के तहत आपको इम्यूनिटी मिली है। मतलब आप कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन और विधायिका द्वारा कोई ऐसा कानून, दोनों के तहत आप आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकते हैं या ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं जिसका लोगों पर गलत प्रभाव पड़े। वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। तो इन दोनों कंसेप्ट को समझने के बाद एक चीज़ तो कॉमन है कि सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ओवर द टाइम धीरे धीरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया और इसे हर कानून को बनाने के तहत इस प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाए, नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को शामिल किया जाए, इसका भी विवेचना करी है। लेकिन इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो लोगों के राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिसकी वजह से लोग स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली ग्रो कर पाते हैं, उसे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। और इसी को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द टाइम धीरे धीरे इवॉल्व करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया और कहा कि फंडामेंटल राइट्स को कोई भी कानून किसी भी तरीके से अगर वो रीजनेबल नहीं है तो छीन नहीं सकती है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट दोनों समझ में आए होंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।